दोस्तों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े दुख दे नाल अज सानू ये कहना पै रहा है कि पिछली फसलां जिहड़ियां दो मरियां झोना लाउण तों पहलां नरमा मरिया और फिर झोना मरिया फिर उस तों बाद पक गया झोना जदों उदों लंपी स्किन नाल फसल मरी पशु मरे फिर चाइना वायरस नाल झोना मरिया उस तों बाद आपां देखिया वड्डी पद्धर दे उत्ते कणक दा नुकसान होया। मानसा डिस्ट्रिक्ट दे अंदर कल असीं मीटिंग करवा के आए हां, लगभग 10 पिंड ने जिन्हां दी फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है, तबाह हुई है। उन्हां किसानां दा मनना है, कहना है कि साढ़े 10-10 मन 8-8 मन कणक निकली है और अज उस तों वड्डा पहाड़ फिर किसानां दे उत्ते टुट्टिया कि इन्नी बारिश इन्ना तूफान आया कि जिहदे नाल किसानां दा वड्डी पद्धर ते नुकसान होया। हाँ, अज ये ठीक है गल, कोई साडी गल सुन के कह सकदा है कि जी हजे तां फसलां बीजी दियां सी, हजे किहड़ा नुकसान है। अगर इहनूं तुसीं ध्यान नाल देखोगे तां पिछले लंबे समय तों साडे मुख्यमंत्री जी, साडे खेतीबाड़ी मंत्री जी लगातार इस गल दे उत्ते यतनशील सी, किसानां नूं कह रहे सी कि सीधी बिजाई करो, सीधी बिजाई करो, असीं 1500 रुपया प्रति किला देवांगे। उस नूं मनदिआं, इन्हां दीआं हदायतां नूं मनदिआं, इन्हां दीआं अपीलां नूं मनदिआं, वड्डी पद्धर दे उत्ते किसानां ने सीधी बिजाई कीती। ते जिहड़ी उह सीधी बिजाई कीती सी ना, उस सीधी बिजाई दे नाल उह सारी दी सारी अज तहश नहश हो गई, खत्म हो गई। ते उहनां किसानां कोले हुण पनीरी वी नहीं बची, मुख्यमंत्री जी हुण पनीरी है नहीं उन्हां कोले, और झोना डुब गया, मर गया। हुण की करनगे, है कोई हीला, है कितों हल, कितों हल नहीं। हाँ, तुसीं इह जरूर कह सकदे वी साडे की बस है, इह मीह आ गया। मैं इत्थे जरूर गल करनी चाहूंगा, मैं तुहाडे मंत्री जी दा बयान सुन रहा सीगा, पंचायत मंत्री दा, उहने कहा कि बारिश आई आ जी, कुदरती आफत है, सरकार दी कोई कसूर नहीं, सरकार की कर सकती है। ते नाल मगरले पासे कह गया भी किसानां ने खाले ढाते, किसानां ने खाले ढा के वाहणां दे विच रला ले, जिहदे करके ये हड़ आया। मैं हैरान हाँ यार, इहदा मतलब कोई कम करदे ना ते जे हड़ आ गए तो तां वी किसानां ने लियाता। जेकर तुहानूं तुहाडा ढिड भरिया, पूरे देश दा पंजाब दे किसानां ने तुहानूं अनाज पैदा करता तां तुसीं जहरीला अनाज पैदा करता, तुसीं पराली दे नूं अग लाउणे हो, तुसीं पोल्यूशन करता, उह सब कुछ किसान ही कर रहे यार। हुण मैं दसणा चाहुणा है, भुल्लर साहब सुणो ध्यान नाल, इह क्यों होया है, ते मैं वीडियो भेजूंगा, दसूंगा कि किन्ने सेम नाल्यां दी सफाई कीती है तुसीं, किन्नियां दी। आ मैं हुणे फरीदकोट पिंड जिले च बैठा, फरीदकोट शहर च बैठा, फरीदकोट दे दक्खण वाले पासे दी इक सेम नाला जांदा है, ਉਹ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਉਛਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਉਛਲਿਆ? ਉਹ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੀ ਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੇਲੀ ਪਈ ਆ, ਕੇਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਸਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਡੁੱਬਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ
70-70 फुट मिट्टी जमी पई है उस ता उस डैम का पानी स्टोर करन दा पानी संभालन की कपैसिटी वधदी जां ना वधदी। अगर कपैसिटी वध जांदी ता फिर वो फ्लडगेट खोलन की लोड़ सी, ते जे फ्लडगेट ना खोल दे ता अज आ स्थिति पंजाब की नहीं बननी सी। ये बनाई गई है एक नलैकिया करके बनी है ना, उधर ध्यान दिता। फिर जनाब नूं एक लगातार असीं जिस दिन पहले दिन तो मीटिंगां करदे कहिंदे आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपां इह करिए थोड़ी थोड़ी दूरी दे उत्ते रीचार्जिंग पॉइंट बनाइए। तुसीं कहा जी हाँ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, किन्ने रीचार्जिंग पॉइंट लाते पंजाब दे विच। अगर रीचार्जिंग पॉइंट बने होंदे कुछ ना कुछ पानी कोई 20% कोई 25% कोई 30% पानी रीचार्जिंग पॉइंटा के थ्रू थले धरती च जाता, जिदे वैसे तो तुसीं सारे राखे बने हो कि जी पानी मकाता किसानां ने ते इस पानी नूं संभाल लैंदे आपां रीचार्जिंग पॉइंट ला लैंदे, वह भी नहीं लाए। तो कसूर किसानों का इन्होंने जी खाले ढाते कि हड़ आ गया। यार मैं हैरान है, हर गल के उत्ते किसान कसूरवार ने, हर गल के किसान कसूरवार ने। सरकार नूं साडी अपील है कि तुरंत पड़ताल करावे। वड्डी पद्धर ते नुकसान हो गया उन्हां किसानां दा जिन्हां किसानां ने तुहाडी तुहाडे मगर लग के सीधी बिजाई कीती, पनीरियां नहीं उन्हां कोले, देवे सरकार उन्होंने अगली फसल का प्रबंध की करके दिंदी है। सो मेरी किसानों भी हाथ जोड़ के बेनती है भरावो, जिदे कोले भी पनीरी वाधू होवे, जिदे कोले भी होवे, कृपा करके आप अपने भरा ने उन्हां दी सपोर्ट करिए। जिदे कोले पनीरी वाधू हैगी है वह वेचण की बजाए अपने गुआंढी नूं अपने भरा नूं आवाज मार के कहो कि भी भरा मेरे कोले पनीरी है, उहदे नाल उहदी फसल लवाईए। सरकार ने जो करना सी साडे नाल करता, तो सरकार नूं असीं बेनती करते हैं मुड़ के मुख्यमंत्री तुसीं इह कहिंदे हुंदे हो कि तां जी जगह वेंदे है वजह नहीं वेंदे, आ हुण वजह है जिहड़ी दस के हटियां। ते जेकर अज भी अमल ना होया, किसानां नूं उहनां दा बनदा मुआवजा ना दिता गया, किसानां दी बांह ना फड़ी, जिन्हां दीआं पनीरियां खत्म हो गईआं, जिन्हां दा झोने डुब के मर गए, अगर इन्हां दी बांह ना फड़ी सरकार ने तां सानूं लोकां नूं किसानां नूं मजबूरी बस सड़कां ते आउणा पएगा। फिर ना तुसीं इह कहो जे कि इह तां जगह वेंदे ने वजह नहीं वेंदे, सड़कां ते बैठना, सड़कां कोई साडे वास्ते 5-स्टार होटल नहीं हुंदे कि असीं सड़कां ते बहिंदे ते बहुत चंगी जगह वेख ली, उह तां असीं धुप्पे बैठदे हां, उत्थे मचदे हां, फिर जाके तुहानूं रोंदे हां, फिर जाके तो साडी गल सुनी जांदी है। ते गल सुनन दी बजाय हुण तां तुसीं सगों करना शुरू कर लिया कि सड़क ते जिहड़ा बहिंदा है टीचर बैठे उन्हां दे डांगा, किसान बैठे उन्हां दे डांगा, मजदूर बैठे उन्हां दे डांगा, मुलाजम बैठे उन्हां दे डांगा, हुण तां आपां इह कम चला लिया। अगर इह होएगा तां फिर इह दन देर नहीं, देर दूर नहीं, जदों सरकार नूं इहनां सारियां करतूतां दे संबंध च पछताउणा पएगा, वड्डा पछतावा तुहाडे पल्ले पएगा। सो साडी बेनती है, साडी मजबूरी बणेगी अंदोलन करना, किसानां दीआं पिछली मुआवजे की भरपाई करवाउणी, आ नवां फसलां दा नुकसान हो रहा है, पिछे कणक दा नुकसान होया, इह सारे मुआवजे की भरपाई करवाउणी साडी मजबूरी है। लड़ाई लड़ना साडी समें दी लोड़ है, इहदे चों असीं मैदान सानूं आउणा पएगा। इस करके असीं अपील आ साडी कि जे सरकार चाहुंदी है कि सड़कां जाम ना होण, जे सरकार चाहुंदी है कि धरने मुजहरे ना होण, सच्चियों इमानदारी नाल चाहुंदे हो कि किसान धरने मुजहरे ना करन, तां फिर धरने मुजहरे सब पासे तों कह कीते तों बगैर ही पिछला मुआवजा ते हुण वाला मुआवजा देना तय करो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।